हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन मास्टर ऑफ क्यूब। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में इंडियन फ्लैग बनाना सिखाऊंगा, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर आपको इंडियन फ्लैग क्यूब में बनाना सीखना है तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ब्लू कलर जो है अपने फेस के सामने साइड रहना चाहिए, सामने साइड रहना चाहिए। वाइट कलर ऊपर रहना चाहिए, ऑरेंज किधर भी चलेगा नीचे छोड़कर, वाइट ऊपर रहना चाहिए, ब्लू ऐसे तो खुद ही ऑरेंज राइट में रहेगा या लेफ्ट में। देखिए, जैसे ऑरेंज है तो ऊपर वाले लेयर को यहाँ लाइए, केसरिया कलर रहता है ना, तो ये ऑरेंज कलर आ गया इधर। अब ये ग्रीन यहाँ चाहिए नीचे वाले लेयर में हमको, ये इसके अपोजिट है, तो इसको दो बार मूव कीजिए नीचे वाले लेयर को, आ गया। अब यहाँ ये एक एच पीस वाइट चाहिए, यहाँ एच पीस वाइट चाहिए, तो ये एच पीस है, यहाँ ऊपर वाइट है, तो इसको नीचे लाने के लिए ऐसे एक बार इस वाले लेयर को नीचे, फिर मिडल वाले लेयर को लेफ्ट या राइट साइड किधर भी मूव कर दीजिए। जैसे हमने लेफ्ट साइड मूव किया, फिर जो लेयर को नीचे किया था आपने उसे ऊपर कीजिए, और फिर जिस लेयर को लेफ्ट साइड घुमाया था उसे उसी जगह फिर से लाइए राइट साइड में। ये देख लीजिए एच पीस आ गया एक, अब ये वाला चाहिए, तो ये एच पीस है, तो अब लेफ्ट वाली लेयर को ये वाली नीचे कीजिए, और इस बार अब राइट साइड इसको मूव कीजिए, मिडल वाले लेयर को राइट साइड। अब फिर जो लेयर नीचे किया था उसे ऊपर करके फिर से वही जो लेयर मिडल वाली को राइट साइड किया था उसके अपोजिट कर दीजिए जहाँ पर थी वो। ये देख लीजिए आपका इंडियन फ्लैग बन के तैयार हो गया हो। अगर आपने इस वीडियो को देखकर इंडियन फ्लैग बनाना सीख लिया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।